पर बनासकांठा में बागेश्वर बाबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, नवरात्रि अंगे बागेश्वर बाबा नू निवेदन। नवरात्रि में एंट्री लेवा माटे गंगाजल पीवड़ावू जोईए, माथा पर तिलक लगाड़वू जोईए, गौमूत्र पण पीवड़ावू जोईए, पछी ज गरबा में एंट्री आपवी जोईए। सनातन एज जीवन नो रस्तो छे। बागेश्वर बाबाए आ निवेदन आप्युं छे, सनातन थी ज विश्व में शांति थशे, हिंदुओं एकत्रित करवा भारतभर में पगपाळा यात्रा करशे। मारी अर्जी मां अंबाए स्वीकारी छे, लव जेहाद हिडन झेर छे, स्कूल कॉलेज में फैलाई रह्युं छे। हम तो ये कहेंगे दरबार के उत्तरी गेट पर गंगा जल की कैन रखें, माथे पर टीका लगवाएं और उनको पहले गंगा जल पिलाएं, गौमूत्र पिलाएं, इसके बाद प्रत्येक दरबार में दरबार कराने वालों को प्रवेश देना चाहिए। सभी जातियों को जोड़ने के लिए, एकत्रित करने के लिए, हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए पूरे देश में जगह जगह जितना समय मिलेगा टुकड़ों टुकड़ों में हम पैदल यात्रा करेंगे। और माँ तो सबकी माँ है, विश्व की माँ, इसके पास तो सब आते हैं, हम भी याचक बनकर चले हैं। तो बनासकांठा में बागेश्वर बाबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस में धीरेन्द्र शास्त्री महाराज निवेदन आप्यु छे, सनातन एज जीवन नो रस्तो छे, सनातन थी ज विश्व में शांति थशे। बागेश्वर बाबाए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ निवेदन आप्यु छे, हिंदुओं एकत्रित करवा भारतभर में पगपाळा यात्रा करशे। तो मारी अर्जी मां अंबाए स्वीकारी छे बाबा बागेश्वर नो आ निवेदन। तो बाबा बागेश्वर फरी एक बार गुजरात की मुलाकात है, तेमणे बनासकांठामांथी हुंकार कर्यो छे सनातन धर्म ने लईने। तेमणे कह्युं छे के हिंदुओं ने एकत्रित करवा माटे भारतभर में पगपाळा यात्रा करवा माटे तेओ तैयार छे। मानी शरणे पहुंचीने तेमणे मानी मां अंबाना चरणों में अरजी लगावी छे, ने ते अरजी पण अहींया माताए स्वीकारी होवानी वात बाबा बागेश्वरे करी छे।